सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फिनेस्ट्राइड जो टॉपिकल सॉल्यूशन आता है मिनोक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या फिर जो फिनेस्ट्राइड 1 mg जो हम मेडिसिन लेते हैं खाते हैं वो इफेक्टिव है। तो दोस्तों ये जो है इसको इससे ले जो मिनोक्सिडिल से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं, तो उसमें मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले थे कि सर हम मिनोक्सिडिल के साथ फिनेस्ट्राइड कॉम्बिनेशन वाला यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमको जो टेबलेट या बोल दूँ जो मेडिसिन हम लेते हैं 1 mg की फिनेस्ट्राइड वो हम खाएं या ना खाएं। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, और पूरा जो है मैं बताऊंगा और पूरा आज के जो वीडियो में जो है आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जो फिनेस्ट्राइड जो होती है, जो मेडिसिन होती है, फिनेस्ट्राइड का वर्क क्या होता है सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ। और फिनेस्ट्राइड बोल दूँ या डूटरस्ट्राइड, ये दोनों जो मेडिसिन है दोस्तों DST ब्लॉकर होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये दोनों मेडिसिन जो है सबसे पहले तो जो है प्रोस्टेट ट्रीटमेंट के लिए बनाई गई हैं और जो है FDA अप्रूव्ड है। मेरे एक व्यूअर्स ने बोला भी था कि ये जो डूटास्ट्राइड के बारे में जो मैं बात करता हूँ वो FDA अप्रूव्ड नहीं है। तो मैं इधर मैं बता देता हूँ, जो फिनेस्ट्राइड और डूटास्ट्राइड जो मेडिसिन हम लेते हैं वो दोनों FDA अप्रूव्ड हैं प्रोस्टेट के, प्रोस्टेट जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए। लेकिन हेयर फॉल के लिए जो है फिनेस्ट्राइड पूरी कंट्रीज में जो है अप्रूव्ड है, लेकिन ये सच बात है कि जो ड्यूटास्ट्राइड जो है पूरी कंट्री में, या तो बोल दो पूरे वर्ल्ड में जो है अप्रूव्ड नहीं है। कुछ कुछ कंट्री ने इसको अप्रूव्ड कर दिया है, किसको, ड्यूटास्ट्राइड को हेयर फॉल के लिए। प्रोस्टेट के लिए तो अप्रूव्ड है लेकिन हेयर फॉल के लिए सभी कंट्री में अप्रूव्ड नहीं है, कुछ कंट्री को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन दोस्तों ड्यूटास्ट्राइड के रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, और डे बाज डे जो है इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और कई डर्मेटोलॉजिस्ट जो है इसको आजकल रिकमेंड कर रहे हैं। लेकिन कई मतलब ऐसा नहीं कि सभी डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो फिनेस्टाइड और ड्यूटास्ट्राइड को लेके जो है मैं बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में बताऊंगा कि फिनेस्टाइड बेटर है या ड्यूटास्ट्राइड बेटर है। आज के वीडियो में मैं ये सब नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इधर हम बात कर रहे हैं कि टॉपिकल सॉल्यूशन लगाने वाला इफेक्टिव है, ये जो फिनेस्ट्राइड खाने वाली मेडिसिन है वो इफेक्टिव है। तो दोस्तों अभी जो है मैं एक रिसर्च के बारे में बताता हूं, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं इसमें। तो दोस्तों जैसे कि फिनेस्ट्राइड जो है प्रोस्टेट के लिए काम में आती है, और वहां जो है 5 mg लेते हैं, ठीक है ना, और हम जो हेयर फॉल है उसको रोकने के लिए 1 mg लेते हैं, और जो फिनेस्ट्राइड जो है DST ब्लॉकर का भी काम करती है, ठीक है ना। तो दोस्तों DST जो है एक हार्मोन है जो कि टेस्टोस्ट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है DST में, ठीक है ना, ये एक मेल हार्मोन होता है। तो दोस्तों इसमें देखा गया है कि ये काफ़ी अच्छी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है DST ब्लॉक करने के लिए। रिसर्च में देखा गया अगर हम 1 mg लें तो DST ब्लॉक कर रहा है, DST लेवल को कम कर रहा है, और जो हमारे हेयर जो बाल जो झड़ते हैं काफ़ी जो है इसका हेयर फॉल रुक जाता है, और जो हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और देखने को मिली, इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला। कई लोग जो है इसको लंबे समय तक ले रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हुआ, और साइड इफेक्ट जो है दोस्तों सेक्सुअल साइड इफेक्ट हुआ, जैसे कि आपका डिक्रीज लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिले। तो दोस्तों जो DST जो होता है वो मेल हार्मोन होता है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेक्स को लेकर, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें हुआ क्या है कि जो हमारे स्केल्प के जो बाल हैं वो होते हैं DST सेंसिटिव, ठीक है ना। जो ये जो बाल होते हैं जो पीछे एकदम जो पीछे बाल होते हैं ना दोस्तों, वो DST सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए आपने देखा होगा कि पीछे के बाल कभी नहीं झड़ते हैं। अब दोस्तों जो खाने वाली जो फिनेस्ट्राइड होती है ना वो पूरी बॉडी में जो DST लेवल को कम कर देती है, ठीक है ना। मतलब आपके जो DST कहाँ होता है, अपने ब्लड में ही होता है ना, ब्लड में जो सीरम होता है उसमें जो है ये हार्मोन होता है। तो जब ब्लड में कम होगा तो पूरी बॉडी में, तो दोस्तों ब्लड ही है ना, तो पूरी मतलब पूरी बॉडी में से DST कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों इधर हमको सिर्फ कम करना है कहाँ पर, स्केल्प में, क्योंकि बॉडी में तो रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। अगर DST हार्मोन ज़्यादा होगा तो उसके अपने ही फायदे होते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसका नुकसान सिर्फ कहाँ होता है, ये स्केल्प पर, ये बाल झड़ते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, ऐसे में क्या है, रिसर्च हुई कि यार सिर्फ स्केल्प में अगर कम कर दिया जाए इस DST को तो कैसा रहेगा ये, तो सबने ही सोचा ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इस टाइप से जो है दोस्तों सोच कर जो है सॉल्यूशन बनाया, टॉपिकल सॉल्यूशन बनाया फिनेस्टराइड, कि जो है सिर्फ स्केल्प में कम कर दिया जाए, बॉडी में करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें रिसर्च हुई और काफ़ी लोगों पे ये ट्राई किया, तो उनमें से कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ को फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों में देखा गया है कि हाँ यार काफ़ी ज़्यादा मतलब रिजल्ट मिला है, फिनेस्टाइड उनको खाने के लिए नहीं दी, सिर्फ लगाने के लिए टॉपिकल सॉल्यूशन दिया, और उसमें ये पाया गया कि काफ़ी लोगों में जो फर्क पड़ा, हेयर फॉल काफ़ी जो है कम हो गया है, और जो हेयर फॉलिकल्स भी जो है ठीक ठाक मजबूत हो गए हैं। तो दोस्तों
ये तो पहली रिसर्च की बात है, लेकिन अब मैं और रिसर्च की बताता हूँ। और रिसर्च में ये पाया गया है कि ये सिर्फ जो है सरफेस एरिया पे काम करता है, जो आपका टॉपिकल सॉल्यूशन है, ये सिर्फ जो है सरफेस एरिया मतलब ऊपरी हिस्से में काम करता है। इसमें भी बहुत लेयर होती है दोस्तों, स्किन में भी, तो ऊपरी जगह पर काम करता है। जो डीएसटी जो होता है उसके जो प्रभाव को कम करता है, या तो जो डीएसटी उसको हटाने का काम करता है, लेकिन अंदर तक जो है रूट तक बोले या हेयर फॉलिकल्स जो है अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है आपका टॉपिकल सॉल्यूशन। तो आखिरी में दोस्तों ये प्रूव हुआ कि उतना इफेक्टिव नहीं है जितनी कि खाने वाली मेडिसिन। अगर इतना इफेक्टिव हो जाता तो आपका जो मिनोक्सिडिल है सिर्फ फिनेस्टराइड के साथ ही कॉम्बिनेशन में आता, और ये फिनेस्टराइड जो मेडिसिन आप खाते हो वो कोई भी नहीं खा रहा होता, ना ही डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर जो है वो रिकमेंड कर रहे होते आपको, है ना। और सॉल्यूशन सिर्फ जो एक ही देखने को मिलता आपको, फिनेस्टराइड प्लस आपको मिनोक्सिडिल, है ना, जो एमिनोक्सिडिल के साथ आते हैं। मिनोक्सिडिल जो ट्रेटेनॉइन, एजिलिक एसिड, है ना, और प्रोकैपिल, इतने सारे आते हैं, वो सब नहीं आ रहे होते। तो आखिरी में यही हुआ दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च हुई इसमें, लेकिन यही पाया गया कि उतना इफेक्टिव नहीं है जितने की खाने वाली मेडिसिन। जो खाने वाली मेडिसिन होती है वो डीएसटी को कम कर देती है, ब्लॉक मतलब ये है कि कम करती, पूरा ब्लॉक नहीं करती, बंद नहीं करती। अगर पूरा बंद कर देंगे तो जो है इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इधर जो है हम बाल बचाने की कोशिश करते हैं, आप फिनेस्टराइड मेडिसिन भी लेते हैं और मिनोक्सिडिल के साथ जो है कॉम्बिनेशन वाला, कोई भी कॉम्बिनेशन वाला दोस्तों, फिनेस्टराइड हो या एमिनोक्सिडिल हो, किसी के साथ भी वो लगाते हैं, साथ साथ में बायोटिन लेते हैं, बीच में पीआरपी कराते हैं, ये सब जब पूरा पैकेज के साथ ही ट्रीटमेंट कराएंगे ना, तभी आपके बाल बचेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल देता हूँ दोस्तों, अगर आपके हेयर फॉलिकल्स एक बार मर गए या डेड हो गए, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी मेडिसिन हो, आपके बाल नहीं उगा सकते, फिर वापस बाल नहीं आ सकते। एक एग्जाम्पल देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, एक जो बीज होता है आपका, एक बीज है अगर, तो अगर उसमें आप खाद डालोगे, पानी डालोगे, तो बिल्कुल वो बीज में से पौधा उगेगा और हरा भरा होगा। वैसे ही हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अगर हेयर फॉलिकल्स जिंदा हैं, हेयर फॉलिकल्स को आप बीज समझ सकते हो, वो है, तो आप मिनोक्सिडिल लगा के, फिनेस्टराइड ले के, पीआरपी करा के, उसको फिर से जो है मेरा मतलब बाल को फिर से उगा सकते हो और मजबूत बाल उगा सकते हो। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो इधर जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको साथ साथ फिनेस्टराइड भी लेनी पड़ेगी, और आप जो है डॉक्टर से जो है मिलके ही फिनेस्टराइड लें, और ड्यूटेस्टेरॉइड और फिनेस्टराइड को लेकर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और ड्यूटेस्टेरॉइड अगर ले रहे हैं आप, तो वो 0.5 mg लेनी होती है, आपको पता होगा, आपके डॉक्टर ने अगर लिखा होगा तो, ठीक है ना। और फिनेस्टराइड जो है 1 mg लेनी होती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करते हैं इसको ज़्यादा लंबे समय तक ना लें, 3 महीने तक तो मेरे ख्याल से लेना पड़ेगी फिनेस्टराइड। और ड्यूटेस्टेरॉइड का क्या होता है दोस्तों, ड्यूटेस्टेरॉइड जो है वो हफ्ते में 2 या 3 दिन ही लेनी होती है स्टार्टिंग से ही, तो इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, और आप चाहें तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा मेरा वीडियो। तो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर कीजिए, और इस टाइप से आप और वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले समय में और वीडियो लाऊंगा हेयर फॉल से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।